सो हेलो एंड व्हाट्स अप वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोरर फुकरे। तो आज हम वीडियो बनाएंगे एक्सप्लोरर गराज के बारे में। तो जो मेरे गराज में आज हम करेंगे अपनी बाइक पे काम वगैरह। तो मेरी पिछली राइड आपको पता ही है, विंटर राइड, अगर आपने ब्लॉग नहीं देखे तो जरूर देख लो। तो आज हम करेंगे कि इसके क्लच केबल कैसे सेट की जाती है, कैसे खोल के कैसे आसानी से लगाई जाती है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। सो लेट्स गो। आपके पास होनी चाहिए 12 नंबर की चाबी, इसको चाबी बोलते हैं। तो 12 नंबर की चाबी से सबसे पहले आपने खोलना है ये नट, ये वाला नट लूज करना। तो मैंने लगभग थोड़े थोड़े लूज कर ही दिए थे पहले ही। तो जैसे ये नट लूज हो जाए, उसके बाद का प्रोसीजर, आपने ये वाला जो पीछे वाला नट है, अगर आपको पास से दिख रहा हो, ये वाला नट लूज करके, जैसे क्लच की तार बिल्कुल ये ढीली हो गई है ना, अब बिल्कुल तार ढीली हो गई है, तो अब आपने इसको पुश करके यहाँ से निकालना है बाहर। तो क्लच की तार पूरी निकालने के लिए ये जो रबर, ब्लैक कलर का रबर है, ये जो ब्लैक कलर का रबर आपको दिख रहा है, इसको निकालना है पहले पुश करके बाहर। फिर आपको ये जो 12 नंबर का नट आपने खोला, इसको बाहर निकाला, उसके बाद निकल गई आपकी क्लच की तार सिंपल बाहर। तो यहाँ से निकालने के लिए, आपको सिंपल सा पुश करना है, ये नीचे की तरफ पुश होगा बाहर आ गई, ठीक है, क्लच की तार आ गई बाहर। तो अगर आपकी वायर टूट गई है राइड के समय, तो वायर कैसे पूरी बाहर निकालनी है, कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे ये अंदर डलती है, यहाँ से आपने पुश करनी है थोड़ी नीचे की तरफ, ये आ गई पूरी क्लच की वायर बाहर, ठीक है। तो मेरी ये वायर ठीक है, अगर ये ठीक नहीं होती तो आपको यहाँ से साइडों से पता लग जाता अगर ये टूट रही होती। तो ये नहीं टूट रही है, तो अब हम इसको डालते हैं वापस। तो वापस वायर डालने का प्रोसीजर, ये रही पूरी वायर। तो अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपने ये आ गया बाहर, तो इसको आसान करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो ये आपका एंड है, जो ये वाला एंड है, इधर से आपने पुश करके रखना है, तो ये आराम से बाहर आएगा। अगर आप पुश नहीं करोगे, अगर आपने पुश नहीं किया बाय चांस, अगर ये पुश नहीं करोगे तो ये वहां से बाहर आ जाएगा, यहां से ऊपर नहीं आएगा। तो अगर आपने इसको पुश किया हुआ है, तो ये आराम से निकल जाएगा। इसको पुश करना पड़ता है, ठीक है, इससे ये आराम से बाहर आता है। तो ये जो रबर बाहर निकला था, ये कुछ नहीं है, ये रबर यहां पे ऐसे करके। तो आपने मेन चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपकी जो वायर है उसमें बेंड ज़्यादा ना आए। तो अगर मैं नीचे से निकाल रहा हूँ, मेरे यहाँ पे हॉर्न लगे हुए हैं, इस वजह से यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर रख के यहाँ से निकाल लेता हूँ, ये ईजी रहेगा। तो जो सिंपल सेट करने का प्रोसीजर है, इसके बाद आपने लगाना है पहले ये 12 नंबर का नट है, सबसे पहले ये लगेगा। सेट हम बाद में करते हैं, पहले लगाने का प्रोसीजर देख लो। तो ये जो कवर था क्लच का, जिसके अंदर से गंद ना जाए, इस वजह से, तो उस वजह से जो कवर लगा हुआ है, इसको लगाने का तरीका है, आप इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते। आपने यहाँ से क्लच को पूरा खोल के रखना है, फिर यहाँ से प्रेशर डालना है, फिर ये डलेगा, ऐसे नहीं डलेगा ये। तो ये सब हुआ, इसके बाद इसको थोड़ा सा पुश करके यहाँ पे लगाया क्लच। तो अब हमारा लग गया है क्लच, क्लच हो चुका है। अब हम इसको सेट करने का तरीका बताते हैं कि इसमें कितना प्ले होना चाहिए। ये हमारी क्लच की वायर पूरी लग गई है। सेट करने का तरीका होता है, उसमें बिल्कुल मिनिमम सा प्ले होना चाहिए क्लच, आपका क्लच बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से जो क्लच प्लेटें होती हैं वो थोड़ी सी एक्टिव रहती हैं, तो पूरी टाइट नहीं होनी चाहिए। तो क्लच अगर आपने रॉयल इनफील्ड का चेक करना है, बाकी बाइकों में, जैसे मेरे घर में स्प्लेंडर भी है, मैं उसका भी आपको बाद में बता सकता हूँ अगर आप चाहो तो, अगर आप वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। तो इसका जो रॉयल इनफील्ड का, तो यहाँ से पास ला, तो रॉयल इनफील्ड का चेक करने के लिए क्या है, ये जो इतना सा प्ले है, ये इस क्लच में पहले का होता है और ये होना भी चाहिए। तो अब हम टाइट कहाँ तक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं पहले आपको मैं बता देता हूँ सिचुएशन, अगर मैं पूरा टाइट कर देता हूँ, जैसे
मतलब ये प्ले प्ले को भी मैं बीच में लाके पूरा टाइट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको पूरा टाइट किया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखो क्लच, तो ये अगर हम पूरा टाइट करेंगे, पूरा टाइट करने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर थोड़ा सा प्ले रहेगा। तो हमने तो जो क्लच है, अगर हम पूरा टाइट करते हैं तो क्लच थोड़े से एक्टिव रहते हैं, तो जिसकी वजह से क्लच प्लेट की लाइफ कम होती है। तो हमने ऐसा नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ पूरा सिंपल प्रोसीजर। जो जैसे ये जो हमारा गियर लीवर है, ये गियर लीवर है, इसके अंदर अभी जितना ये प्ले दिखा रहा है, अगर आप देखो यहाँ से जितना ये प्ले दिखा रहा है, इतना ये प्ले इतना ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे ये वाला नट खोल के। इतना सा प्ले ये ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं टाइट। टाइट करने का सिंपल प्रोसीजर है, अगर आप जब ट्राई करोगे आपको पता लग जाएगा। ये वाला नट अगर आप जैसे ही टाइट करोगे, ये पीछे से खुद टाइट होता जाता है, ये नट टाइट हो जाएगा। तो अभी हमारा हो गया क्लच परफेक्ट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि स्पेशली मैं पहले अकेले बना रहा था, फिर मैंने एक जो मेरा यंग मेट है उसको बुलाया स्पेशली वीडियो बनाने के लिए, तो बहुत मेहनत लगती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे बताना अगर आपको और किसी बाइक के क्लच जो मेरे पास अवेलेबल है वो है स्प्लेंडर, तो मैं आपको उसका बता दूंगा। तो सबका सेम प्रोसीजर होता है, प्ले वाला तो सेम है, डालने का तरीका अलग अलग होगा। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं अपनी वीडियो क्लोजिंग। सो बाय बाय।